सेक्स की वो कौन सी पोजीशन हो सकती है जिसके दौरान सेक्स करते हुए आपका लिंग, आपका पीनिस फ्रैक्चर हो सकता है, टूट सकता है, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए आज के टॉपिक को लेके बात करते हैं कि सेक्स की वो कौन सी पोजीशन है जिसमें यदि आप थोड़ा सा भी केयरलेस होके सेक्स करते हैं तो आपके पीनिस को नुकसान हो सकता है, टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। एंड दैट पोजीशन इज, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं, वुमेन ऑन टॉप, जिसमें आदमी मेल पार्टनर नीचे बेड पे अपनी कमर के बल लेट जाता है और इस तरीके पीनिस ऊपर को इरेक्ट होता है एंड देन द फीमेल कम्स ऑन द टॉप। अगर इसको मैं पीनिस मानूं और ये फीमेल की वजाइना मानूं तो उस पोजीशन में सेक्स इस तरीके चल रहा होता है, बिकॉज पीनिस, आदमी का पीनिस, आदमी लेटा हुआ है तो वो पीनिस यहीं का यहीं रह रहा होता है और ये इस तरीके चल रहा होता है। जब फीमेल पार्टनर पूरे जोश में फटाफट ऊपर नीचे झटके लगा रही हैं तो उस दौर में कई बार क्या होता है कि ये चलते चलते एकदम से बाहर निकल जाता है और उनको कई बार पता नहीं लगता है और वो वापस आते हुए टक करके इसके ऊपर टच होती हैं, उस पर झटका आता है पीनिस पे। अब ये अंदर नहीं जाता, अब ये इस तरीके लगता है और ये फ्रैक्चर हो सकता होता है, बिकॉज जब वो नीचे आ रही हैं तो उनकी पूरी बॉडी का भार है और नीचे आने का जो फोर्स है वो भी इस पर लगा। और दूसरा क्या होता है, कई बार ये पूरे तरीके बाहर नहीं निकला ऐसे, ये इस तरीके आ गया, किनारे से पे आ गया, बट ये वजाइना से बाहर आ गया, पूरा ऐसे नहीं हुआ है, वजाइना से बाहर आ गया और उस टाइम पे वो अगर प्रेशर दे रहे हैं नीचे को तो फिर भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यदि आप वुमेन ऑन टॉप वाले पोजीशन में सेक्स करते हैं तो दोनों जने काफ़ी केयरफुल होके कीजिए। उनको ये पता हो कि जब मैं कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मेरे वजाइना के अंदर आप मेरे मेल पार्टनर का पीनिस है तो या नहीं, मुझे ये एकदम से पता होना चाहिए। मैं ये ना हो कि मैं ऊपर से एकदम से नीचे को आऊँ और उनके पीनिस में फ्रैक्चर हो जाए। अगर थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो आप इस पोजीशन को भी बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपने इस पोजीशन में सेक्स किया और उसके बाद आपको कुछ समस्या महसूस होने लगी है तो टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या आपके इरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होने लगा है या बिना वजह अपने ही जहन में कुछ पाल लिया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये उस दिन उनका झटका थोड़ा सा लगा था तो मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गया। इसकी हम क्लैरिटी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट drarodas.com पे सबसे नीचे एक बटन है गहरे पीले या ऑरेंज कलर का, उस पर गिनती के 5 सवालों की हमने एक बहुत अच्छी क्विज डिज़ाइन की है। आप उन 5 सवालों के अपने हिसाब से जो आपको सही जवाब महसूस होते हैं वो जवाब दीजिए, उन जवाबों के हिसाब से आपके पास रिपोर्ट आ जाती है। अगर रिपोर्ट कहती है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने इलाके में किसी अच्छे डॉक्टर से या किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। यदि आप चाहें तो आप हमारे प्रोफेशनल्स की मदद, हमारे डॉक्टर्स और सेक्सोलॉजिस्ट की मदद हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी ले सकते हैं या हमारे क्लिनिक्स में विज़िट कर सकते हैं। और यदि आपकी रिपोर्ट आपके जवाबों के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक आती है फिर तो बिंदास रहिए, खुश रहिए, मगर हमेशा इस पोजीशन में सेक्स करते हुए ख्याल रखिए अपना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आपकी मदद कर सकती है तो इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज आप और हम मिलके इस दुनिया में सही जानकारी पहुंचा सकते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में मजाक तो बहुत होते हैं मगर सीरियस बात शायद ही कहीं होती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज करीब करीब हर रोज़ एक नया वीडियो आता है इस चैनल पे जो आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए ही बनाया जाता है। कीप एंजॉइंग ग्रेट सेक्स लाइफ।